नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कार के अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिले। दोस्तों आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों छठ पूजा में छठी मैया को ये तीन चीजें भूल कर भी मत चढ़ाना, भूल कर भी ऐसी छठ पूजा मत करना, लगता है घोर पाप। छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं और व्रत टूट जाते हैं। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा हर बार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों ये हर साल दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, क्योंकि दोस्तों नहाए खाए की परंपरा से शुरू होता है। ये व्रत करने वाले व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। इसके बाद छठी माँ की आराधना और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ की पूजा नहीं करनी चाहिए, जिनके करने से व्रत टूट जाता है और लगता है घोर पाप, मैया क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों छठ पूजा का व्रत इस तरह की महिलाएं गलती से भी ना करें, अन्यथा आपके संतान के साथ अनर्थ हो सकता है, आपके पति पर भारी संकट भी आ सकता है, इसके साथ ही आप पाप का भागीदार भी बनेंगे। इस तरह की महिलाएं रहें छठ पूजा से दूर। दोस्तों कार्तिक मास की षष्ठी यानी कि छठी तिथि को छठ पूजा मनाया जाता है। छठे दिन पूजे जाने वाले षष्ठी को घर में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली ये माता सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं दोस्तों पुराणों के अनुसार दुर्गा माँ के छठे रूप यानी कि कात्यायनी माता को छठ माता के रूप में माना जाता है। छठ माता को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये छठ का जो व्रत है ये संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। खासकर दोस्तों वो जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, दोस्तों वो छठ का व्रत रखते हैं। यही दोस्तों सभी लोग अपने बच्चों के सुख शांति के लिए छठ का व्रत मनाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें छठ का व्रत नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ा महापाप माना जाता है। महिलाएं भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी दोस्तों जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बगैर संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप कहलाता है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाओं को अपने संतान के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू पुराण के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। वहीं जो बिन शादी के ऐसे लोग माँ बन जाते हैं, समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित माना जाता है। इसीलिए ऐसे महिलाएं धार्मिक पूजा पाठ में तभी शामिल हो सकते हैं जब वो अग्नि के साथ 7 फेरे ले लें। ऐसी ही शादी को शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर दोस्तों ऐसे में आपकी शादी आधी अधूरी है तो छठ पूजा का व्रत ना करें। आपके इस व्रत को करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और लगेगा आपको घोर पाप। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से रखना चाहिए। यदि कोई महिला बगैर शौक और बिना मन से इस व्रत को रखती है तो इस व्रत रखने वाले स्त्रियों के संतान और पति के साथ कुछ अनर्थ हो सकता है या उनके ऊपर ही संकट आ सकता है। सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से छठ का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान के ऊपर कष्ट कभी नहीं आते। छठी मैया करती है रक्षा, घर और परिवार होता है सुखमय। दोस्तों छठ पूजा का व्रत करने से सैकड़ों यज्ञों की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, साथ ही धन की प्राप्ति भी होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का व्रत कई गुना प्राप्त होता है, इससे व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा व्रत करने से छठी मैया आपके पूरे परिवार की रक्षा करती हैं। दोस्तों साथ ही बात कर लेते हैं छठ पूजा में छठी मैया को कौन ऐसी 3 चीजें हैं जो उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए, यही तो घोर पाप लगता है। दोस्तों इस व्रत के दौरान या कोई भी व्रत हो, धार्मिक कार्य हो, ऐसे में घर में
कभी भी नॉन वेज नहीं बनाना चाहिए, ना ही परिवार में किसी को खाने देना चाहिए। साथ ही दोस्तों घर में धूम्रपान और मदिरा पान का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों नंबर दो, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। दोस्तों छठी मैया का प्रसाद उसी चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजा पुताई की गई हो। दोस्तों आप गैस पर बना रहे हैं तो गैस चूल्हे को अच्छे से धो लें। पहले से बने हुए भोजन के चूल्हे पर प्रसाद को ना बनाएं। इसके लिए दोस्तों नया मिट्टी का चूल्हा बना लें। दोस्तों नंबर चार, सूर्य देव को अर्घ दिए बिना कभी भी भोजन ना करें, इससे घोर पाप लगेगा। व्रतधारियों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों छठी मैया से मांगी गई मन्नत पूरी हो जाए तो आपके मन्नत पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा दोस्तों माता के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों घर में लहसुन और प्याज का प्रयोग इन चार दिनों के दौरान भूलकर भी ना करें, इससे दोस्तों आपको जीवन में बहुत बुरे दौर से दौड़ना पड़ सकता है। इस समय दोस्तों लहसुन प्याज वगैरह से दूरी बना लेना चाहिए। दोस्तों छठ पूजा का व्रत करने वाले लोगों को जमीन पर चार दिन सोना चाहिए, छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए और दोस्तों साथ ही आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। दोस्तों सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, भूल कर भी चांदी, स्टील, शीशे और प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत टूट सकता है, इससे माता आपके व्रत को पूर्ण करती है और आपके ऊपर कोई भी विघ्न और बाधा नहीं आती है। दोस्तों जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहाँ साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, साथ ही उस स्थान पर खाना बनाना भी वर्जित है। दोस्तों प्रसाद बनाते समय किसी भी नमक वाली चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। पूजा के दौरान दोस्तों अपने मन को शुद्ध रखें, अपने मुंह से कोई भी गलत बात न निकालें, मन में गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाना चाहिए। दोस्तों छठ पूजा के दौरान घर में गंदे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर नहीं लगाना चाहिए, इससे मैया अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं, व्रत भंग हो जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत ज्यादा ही पसंद है। दोस्तों व्रत के दौरान अपने घर को साफ और सुथरा रखें, घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य कर लें, इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद भी मिलता है। मैया सभी व्रत रखने वाली भाई बहनों की कामना अवश्य पूर्ण करें। जय हो छठी मैया।